मुझे थोड़ा बहुत अंदाजा तो था, लेकिन बात इतनी आगे तक चली जाएगी ये नहीं पता था। ऐसे दिखने में तो अच्छे हैं ना? नहीं? ठीक है बस। अच्छा, शक्ल ठीक है उसकी, पढ़ा लिखा है, मजाहिया है, फैमिली अच्छी है, लेकिन वो मुझसे शादी करना चाहता है। तो तो मैं श्योर नहीं हूँ शादी के लिए। तुम्हें अच्छा लगता है, खानदान में किसी को मसला नहीं है, तो शोर ना होने वाली कौन सी बात है? अजय, मैंने एक ही शादीशुदा जिंदगी देखी है, अम्मी और अब्बू की, और मैंने वैसी बीवी नहीं बना जैसे अब्बू ने अम्मी को बना दिया। मैं कहना नहीं चाह रही थी, लेकिन मैंने जिंदगी में अम्मी को पता है कब खुश देखा है? जब से अब्बू बिस्तर पर पड़े हैं। मतलब क्या फायदा है ऐसी शादी का यार? और दूसरी और सबसे अहम बात ये कि मैं शादी करके उसके घर जा ही नहीं सकती, तो इतनी अच्छी फैमिली का फायदा ही क्या जब मैं उनके साथ रह ही नहीं सकती, उनको बहू ही नहीं मिलेगी। देखो, मैंने भी तो की है ना शादी, मैंने भी वो कदम उठाए जो मुझे नहीं उठाने चाहिए थे। मैं कितनी दफा गिरी, लड़खड़ाई, लेकिन साइम ने मुझे संभाल लिया। और पता है, मुझे ऐसा लगता है मैं जिंदा ही शादी के बाद हुई हूँ, उससे पहले मेरी कोई जिंदगी ही नहीं थी। लेकिन मुझे क्या पता कि मेरी जिंदगी शादी के बाद कैसी होगी? मेरे ऊपर इतनी जिम्मेदारियां हैं, घर, अब्बू, अम्मी, मैं बीवी होने की जिम्मेदारी तो नहीं अभी ले सकती। सही कह रही हो तुम, लेकिन दिल को मार कर जियोगी तो लम्हा लम्हा मरोगी, क्या करूं अपनी? तो फिर बात करो नासिर। नासिर भाई तो तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जानते हैं, उन्हें और कुछ बताओ ना, फिर देखो क्या कहते हैं। क्या कहेगा वो? जाहिर सी बात है, उसे बीवी चाहिए ना, और मैं जाके उसे बताऊं कि मैं बीवी बनने की जिम्मेदारी नहीं उठा सकती तो क्या कहेगा? कहेगा ठीक है, खुश रहें आप, नहीं करते शादी तो नहीं करूंगी शादी। कोई ऐसी लड़की से शादी करना चाहेगा जो शादी के बाद करीब तक ना आने दे? अगर मेरे लिए रास्ते खुल सकते हैं, मैं अच्छी जिंदगी गुजार सकती हूँ, तो तुम तो बहुत बहुत अच्छी जिंदगी गुजार सकती हो। मुझे पूरा यकीन है कि नासिर भाई को तुम्हारे मसलों से कोई मसला नहीं होगा। नासिर हाय, क्या बस क्या दांत बंद करो, क्या बस ना। हाँ।